के दरोगा सर जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया है, ताली बजा दीजिए। क्या बात है, कौन कहते हैं कि बुजुर्गों को इश्क का हक नहीं होता है? कौन कहते हैं कि बुजुर्गों को इश्क करने का हक नहीं होता है? बसरते इश्क तो करते हैं, लेकिन हम लोग उन पे शक नहीं करते हैं। क्या बात, और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, कह दूं क्या? हाँ जी, आपका यदि आदेश हो तो मैं बोल सकता हूँ कि जो जवानों को दिखता नहीं वो बूढ़ा देख लेते हैं, कि जो जवानों को दिखता नहीं वो बूढ़ा देख लेते हैं, अपने इश्क के मोर पर अपनी गाड़ी बेच लेते हैं। अरे इन्हें बुजुर्ग समझने का हम भूल नहीं करें, क्योंकि जरूरत पड़ने पर पड़ोसन के तवा पर अपना रोटी सेक लेते हैं, रोटी सेक लेते हैं, पड़ोसन के तवा पर अपना रोटी सेक लेते हैं जी। शायद लगता है उन्होंने भी अजमा के देखा है। नहीं, मैं तो अभी कोई अपना अनुभव ही बताते हैं। और सर मैं आपसे कुछ पूछूं क्या? पूछे, आज थोड़ा सा मेरे लेवल में आ जाइए ना। अरे क्या बात, लेवल में आइए। अब तू चुप रहो। अच्छा, चुप रहो। कहां बोला तू कि हमारे इश्क जब हद से हथियार हो गई तभी ना हमारे इंतजार बेकार हो गई। ई ना मानी कि इश्क जब हद से हथियार हो गई तभी ना हमार इंतजार बेकार हो गई, आ जब तू हरियर सिग्नल दे ले रहलू हमरा के तो में दोसर गाड़ी कैसे पार हो गई। अरे मजाक करते हैं क्या? मजाक मत करिए, भूल से भी मजाक मत करना इन बूढ़ों से, कि भूल से भी मजाक मत करना इन बूढ़ों से, क्योंकि अभी भी सुपारी फोड़ते अपने मसूरों से। नहीं करना ताकि इधर बीच में दाल गल जाए। अपना अपना फिराक में सारा दुनिया है भैया। देखिए, लेकिन बात यह है कि हमारे चाचा जी अकेला है पर जाते हैं, हम साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? धिया पुता हम लोग हैं। यार मैं चाचा जी की तरफ से एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि मैं ठीक कर भी सकता हूँ ये बिगड़ी मशीन को, कि मैं ठीक कर भी सकता हूँ ये बिगड़ी मशीन को, और तनहा में देख सकता हूँ ऐसे ऐसे तीन तीन को, कि मैं ठीक कर भी सकता हूँ ये बिगड़ी मशीन को और तनहा में देख सकता हूँ ऐसे ऐसे तीन तीन को, लेकिन पत्थर पे कहीं पौधा होगा उगा है, जरा सोचो मैं क्या करूंगा इन जोत के इन बंजर जमीन को। सुना, खुदा को खुद ही नहीं मालूम कि लड़कियां हसीन होती है। आए हाय, जो बनाने वाले हैं, खुदा को खुद ही नहीं मालूम कि लड़कियां हसीन होती है, अरे तेरे जैसे दीवाने जिसपे मरते हैं खुदा की ही बनाई मशीन होती है। बाप रे भाई, तो बात सभी अभी इन्होंने कहा क्या, खुदा तुमने लड़कियों की कमर पतली क्यों बनाई है? क्यों बनाई है? जनाब कह रहे थे फैसला करने के लिए जज हमारे बीच खड़े हैं, कहते हैं आए खुदा तुमने लड़कियों की कमर पतली क्यों बनाई है, उस पे मिट्टी कम लगाई है या ये तेरी बेवफाई है? तो खुदा जवाब देते हैं कि ना हमने मिट्टी कम लगाई है ना ये मेरी बेवफाई है, ना हमने मिट्टी कम लगाई है ना ये मेरी बेवफाई है, मैंने उसके कमर से कुछ मिट्टी लेकर उसके सीने पर लगाई है। बात इसी जवानी को देख करते मत मत कर भरोसा इन हसीनों पर, मत कर भरोसा इन हसीनों पर जो खुद को अप्सरा समझती है, कि मत कर भरोसा इन हसीनों पर जो खुद को समझ अपने को मत कर भरोसा इन हसीनों पर जो खुद को अप्सरा समझती है। अरे हम लोगों को कुछ नहीं, अपने को स्मार्ट समझती है। अरे आजकल इन लड़कियों की वही पुरानी फितरत है कि हम गरीबों से मोहब्बत करके अमीरों के साथ भाग जाती है। मैंने पहले कहा, दीजिए। हेलो, ये सब माहौल देख के लगता है कि थोड़ा सा मेरा भी बैटरी चार्ज हो गया है। तो कहावत में है, कहा जरा सुनिएगा, गौर फरमाइएगा, तिस नगी आब हो जाए, तिस नगी आब हो जाए, पत्ती हर गुलाब हो जाए, तिस नगी आब हो जाए, पत्ती हर गुलाब हो जाए, मुस्कुराकर अगर सादा पानी पिला दो तो शराब हो जाए। जिन्हें देख कर हम जिए जा रहे हैं वो पर्दे पे पर्दे किए जा रहे हैं, जिन्हें देख कर हम जिए जा रहे हैं वो पर्दे पे पर्दे किए जा रहे हैं, न पीने की मौसम न काली घटा है फिर भी नजर से पिए जा रहे हैं। एक मिनट, इसी पर एक गाना याद आ गया है, जरा लता जी का है, एक तो हम सुना देते हैं, सुन लीजिए।